الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دين کا خلاصہ دین کی روح دین کا نچوڑ اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کرنا ہر وہ بات جو رب العالمین کی ہے اس کو بدی و جان تسلیم کرنا رب کا حکم جو لینے کا ہو وہ لینا جو چھوڑنے کا ہو وہ چھوڑنا جس کو قربان کرنے کا ہو وہ قربان کرنا اور جس کے لیے قربان کرنے کا حکم ہو اس کے لیے قربان اگر یہ ہے تو دین ہے پگڑنا اللہ خیر اور جب یہ بات کسی میں آ جائے تو اس کی شان مخلوق بیان نہیں کر سکتا آج عید الاضحیٰ قربانی کا دن ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو عرش والے رب کے سپرد کیا اور ان کی زندگی ایسی مثالوں سے لبریز ہے اور ان کی زندگی ہی میں سے ایک بات اور بہت ہی بڑی بات کہ بوڑھا باپ اپنے گھر سے اپنے وطن سے اپنے سب کچھ سے دور ہو کر پردیس میں اپنے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیتا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے
तो फिर क्या है, इस्लाम का, मुसलमानी का, कुर्बानी का इम्तिहान होता है कि बूढ़ा वाले वो जिसके लिए अल्लाह ही जानते हैं कि उस बुड्ढे ने कितनी फरियादें की, उन फरियादों की कबूलियत के बाद वो बच्चा इस काबिल हुआ कि अपने बाप का कामोकाज में कुछ सहारा बन जाए। तो क्या हुआ, हुक्म आया इसको छोड़ना है, वो हुक्म आया उन्होंने कर दिया। आज जो कुर्बानी का दिन है इस हवाले से कि इसे अपने हाथों से जिफा करना, बयान करना भी आसान नहीं तो करना किस कदर कठिन होगा। बूढ़े बाप ने उम्मीदों के बरकस बुढ़ापे के सहारे उससे पूछा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंदुर माज़ा तरा, ए मेरे छोटे से प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि यकीनन मैं तुझे ज़िबा कर रहा। बेटा जो उसी नहज पर है, उसी डगर पर है जिस पर बूढ़ा बाप था, अर्ज किया या अबतिफाल ना तो उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, मेरे अब्बा आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है वो कर दे, यकीनन आप कुछ उनमें से पाएंगे जो दुनिया में सबर में मिसाल बने। तो फिर क्या हुआ, सूरह अस्साफात में आयात 99 से 122 तक रब्बुल आलमीन ने वो किस्सा तफसील से बयान फरमाया, उसमें से कुछ बात अपने वक्त की पाबंदी करते हुए अल्लाह की तौफीक से सुनते सुनाते हैं। फलम्मा अस्लमा, जब बाप और बेटा दोनों मुसलमान हुए, मैं नालायक मुसलमानी का दावा और आप भी करते, अपनी मुसलमानी को इस बाप, इस अजीम बाप और अजीम बेटे की मुसलमानी के आईने में देखें। फलम्मा अस्लमा, और वो मुसलमानी वो है कि उनकी मुसलमानी की गवाही अश्वाय रब दे। जब वो बाप बेटा दोनों मुसलमान, क्या मतलब, हजरत मुफस्सिरीन ने लिखा और खूब लिखा, बाप अपने बेटे को अपने हाथों ज़िबह करने के लिए तैयार हो और बेटा अल्लाह के लिए बूढ़े बाप के हाथों छुरी से ज़िबह होने के लिए तैयार हो। वतल्लहु लिल्जबीन, और बाप ने बेटे को एक पहलू पे पिछाड़ दिया, जिस तरह जानवर को ज़िबह करने के लिए पिछाड़ा जाता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जैसा कि इमाम अहमद की रिवायत में है, इसकी मजीद तफसील बयान कर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमरा गुस्ता पर पहुंचे
कंकरियां मारने की तीन जगह हैं। अल्लाह मुझे आपको ईमान और आफियत तमंगरी से बार बार भारे। जमरे वस्ता पर पहुंचे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पिछाड़ा। बेटे ने कहा, अब्बा जी रुक जाओ, ऐसा न करो। नहीं अब्बा जी, कपनाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं तो रुक जाओ, जाओ जाके खरीदा। नहीं, कमीज पहन रखी थी, मेरी कमीज उतारें और इसको ज़िबह करने के बाद मेरा कफन बना ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के ज़िबह करने की तैयारी करते हुए बेटे की कमीज के कफन बन जाए और ताजनी शुरू की। रब्बे ज़ुल जलाल, वहां इनकलाब आया। वनादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक्ता रुया, और हमने पुकारा, ए इब्राहीम यकीनन तूने ख्वाब को पूरा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़ी अल-मुहसिनीन, हम जो मामला तेरे साथ कर रहे हैं तेरे तेरे साथ खास नहीं, जो भी मुहसिन है। रुक जाइए, अल्लाह के लिए मैं आप लेके जाए, मुहसिन कौन? जो अपने आप को अल्लाह के अहकाम का पाबंद करता। तो क्या किया उससे पहले, इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, हमने तुम्हें जो इम्तिहानी पर्चा दिया वो आसान न था। यकीनन वो निहायत खुली हुई आजमाइश थी। फ़ज़ैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अब बूढ़ा बाप बुढ़ापे के सहारे, दुआओं का सपरा, उम्मीदों का मरकज, उसको ज़िबह नहीं करेगा। रब्बुल आलमीन अपनी जानिब से ऐलान कर रहे हैं, हमने उसके बदले में एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। क्या मैं आप ऐसे हैं? अल्लाह करे ईद गुजरने से पहले हम इस डिगर पर आ जाए। मैं आप अच्छी तरह नोट फरमा लें, अल्लाह की इस तरह गुलामी में आने से न दुनिया बिगड़ती है न आखिरत बर्बाद होती है। दुनिया भी सुधरती है और आखिरत भी सुधरती है। आइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के किस्से में रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें जो कुछ अता फरमाया, वो सब कुछ नहीं, वो तो किताबें हैं, इशारात सुन लीजिए। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र पिछुओं में छोड़ा। अल्लामा कुर्तबी लिखते हैं, कोई उम्मत ऐसी नहीं मगर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजे। सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम वो बन गए कि अर्श वाले रब उन पर सलाम भेज। और एक माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं कि कयामत तक लोग उन पर सलाम भेजते रहे। कज़ालिका नज़्ज़ुल मुहसिनीन, और ये बात
जब कोई मुसलमान बन जाए, अपने आप को रब के सपोर्ट कर दे, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं बल्कि जो भी अपने आप को अपने रब का फर्माबरदार बना दे, हमारी सुन्नत और तरीका ये ही है। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, रब की तरफ से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, यकीनन वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। दुनिया की सारी डिग्रियां एक पलड़े में, रब की तरफ से ये डिग्री एक पलड़े में, कौन सा पलड़ा पाए। वबशरनाहु बिइसहाक नबियम मिन सालिहीन, इब्राहिम ने एक बेटा अपने रब की अरिजा के लिए जिभा करने की खातर तैयार किया, विवाह नहीं होने दिया, और बस नहीं एक और बेटा, उस बेटे को भी महफूज रखा और उस बेटे के साथ एक और बेटा भी अदा करने की बिशारत दी। और बेटा कैसा, नबीयम मिन सालिहीन, तमाम इंसानियत में सबसे बुलंद बाला अल्लाह के नबी। और वो बेटा नबी बनने की बिशारत लेके आया, और बस नहीं, वमिन वरा इसहाक याकूब, एक और बेटे की बिशारत और उसके साथ पोते की बिशारत भी ये लीजिए। एक बेटा की कुर्बानी के लिए तैयार हुए, अल्लाह ने महफूज फरमाया, दूसरे बेटे की बिशारत दी और बेटे के नबी होने की बिशारत दी और पोते की भी बिशारत दी। और क्या हुआ, वबारकना अलैहि वअला इसहाक, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन पर बरकतें नाजिल की और इसहाक पर। और क्या हुआ, कुरान करीम में एक और मुकाम पे फरमाया, हमने इनकी औलाद में नबुव्वत को जारी कर दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी न आया मगर इब्राहिम की नस्ल से, और कोई आसमानी किताब नाजिल न हुई मगर उनकी नस्ल। आइए इसी बात को समझने के लिए सूरह अन्निसा की 3 आयात सुनकर पहला खुतबा खत्म कर। सूरह अन्निसा आयात 66 से 68 तक, 66 से 68। अब मेरी इल्तिजा है, मैं बयान का हक अदा न पहले कर सकता हूं, न अब कर सकता हूं, अहबाब से इतिमा से खुद जाके जरूर देख। और ये पैगाम मेरे लिए और आप सब के लिए है, रब का लेके जाए। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक्तुलू अन्फुसकुम अव इख्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुन मिन्हुम, अगर हम उन पर ये फर्ज करते, अपनी जानों को कत्ल करो और अपने घरों से निकल जाओ। ये दोनों बातें आसान है या नहायत कठिन, अपने आप को कत्ल करो और घरों से निकल जाओ, बाकी सारी बातें इससे छोटी हैं या बड़ी हैं। फरमाए मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुन मिन्हुम, इन दोनों बातों पर अमल करने वाले बहुत ही थोड़े हैं। अब उसके बाद सुनिए, और ये पहले खुतबा की आखिरी बात, वलौ अन्नहुम फ़अलू
मा यो अजू नबे, अगर वो करते जिसकी उन्हें नसीहत, मेरी बात वाजी हो रही, जवाब दीजिए फजल साहब। फरमाया अगर वो करते जो हम जो उनको वाज किया गया तो क्या होता, बेड़ा गर्क हो जाता। लकाना खैर अल्लाह, रब की बात मानते हुए अपनी जानों को कत्ल करना, अपने घरों से निकल जाना, अगर वो कर लेते तो उनके ये शानदार होता। बाकी बातें इससे बड़ी हैं ये छोटी। मजीद सुनिए नंबर दो, वह अशद तस्बीता, हम फिर ऐसे लोगों को छोड़ते तो नहीं, उनको साबित कदमी में बहुत मजबूत कर देते। या अल्लाह हदायत दे दे, नेकी पे चलें, रब की इताअत करते हुए मजीद नेकियों की तौफीक अर्श वाले रब दे। कहते हैं मनी बिगड़स मनी, अल्लाह जाने ठीक है कि नहीं, लेकिन नेकी बिगड़स नेकी, नेकी करें नेकियों के दरवाजे अल्लाह खोल। तो फरमाया अगर अपनी जानों को कत्ल करें अल्लाह के हुक्म की तामीर में, अपने घरों से निकल जाएं, नंबर एक शानदार होता, नंबर दो उनके लिए मजबूती में बहुत सख्त होता, अल्लाह दीन पर चलना और आसान करे। तीसरा फायदा, وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, तो फिर हम उन्हें यकीनन अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर दें। और जिस अजर को अल्लाह अजीम कहें वो कितना होगा, कोई मखलूक उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और चौथा फायदा, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, तो यकीनन हम उनकी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करें। खुलासा हजरत ख्वातीन, अल्लाह पाक के लिए अपने आप को सपोर्ट करने में, उनकी हर बात को मानने में, समझ आए न आए, दिल चाहे न चाहे, उसी में खैर है दुनिया की भी और उसी में खैर है आखिरत की भी। अल्लाह मुझे आपको हमारी नस्लों को उम्मत को ऐसा ही करने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसा ही करने में हमारी तमाम मसाइल के हल की बुनियाद है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه। पहली बात सबके लिए और दूसरी बात सबके लिए, लेकिन खुसूसन अपनी माओ बहनों और बेटियों के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुंबे में जो अजीम शान वाकया हुआ, ऐसा वाकया कि जब तक उम्मत इस्लाम बाकी है और उम्मत इस्लाम कयामत तक बाकी है, तो कयामत तक जिस वाके का इहया, उसको जिंदा रखना उम्मत के दीन का हिस्सा है। इसमें खवातीन का कुछ हिस्सा है कि सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिद्दोजहद है। मैं जो बात समझा हूं
असल बात रब्बुल आलमीन का फजल करम। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बहुत बड़ी शख्सियत के बावजूद तन्हा न थे। इस्माइल की अम्मा, अल्लाह की उन सब पर रहमतें हों, वो गोद भी ऐसी थी कि जो निकला अल्लाह की रहमत से जो बात समझ आ रही है, उस गोद का किरदार भी बहुत ज्यादा था। अल्लाह जाने कहां तक था। एक बात का खुलासा सुन जाइए और अंदाजा कीजिए कि वह हिस्सा कितना हो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शीरखा दूध पीते बच्चे को और उनकी अम्मा को मक्का मुकरमा में उस जगह जहां जमजम है उसके ऊपर टीले पे छोड़ा और वापस हो। उम्मे इस्माइल पीछे से आवाज देती है, इब्राहिम इब्राहिम कहां जा रहे हो और हमें कहां छोड़ रहे हो। वहां कुछ भी नहीं, न कोई इंसान है न कोई चीज। इब्राहिम अपने आप को और अपने सब कुछ को अल्लाह के सपोर्ट किए हुए क्या होता है वो मुड़ के देखते भी नहीं। अल्लाह जाने क्यों नहीं देखते, लेकिन जो बात समझ में आ रही है कहीं ऐसा ना हो कि कदम में जुम्बश आ जाए। बीबी ने जब देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं और जो बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से मैं समझा हूं, अल्लाह करे गलत ना हो, कि उनको अपने कुंबे से बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। अब प्यारा खामन और प्यारा बाप ऐसी जगह छोड़े और चीखने चिल्लाने पे मुड़ के भी ना देखे। खातून ने सोचा कि इसके पसे मंजर में इसकी बैकग्राउंड क्या है, खुद ही अर्ज किया, अल्लाह अमरका बिहाजा, आपने जो किया है अल्लाह के हुक्म से किया है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले नाम, बाकी चीहों पुकार का न जवाब न रसीद न देहान। इसका जवाब दिया हां। अब उस अजीम मां का जवाब क्या था, इज़न ला युज़य्युना, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहे, वो हमें जाया न करेगा। अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो बात समझ आ रही है इस गोद में तरबियत का असर इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस जवाब में मौजूद था, या अब तफ़अल मा तुमर फतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन। अब्बा जी जो हुक्म दिया गया है कर दीजिए, आप मुझे यकीनन बहुत बड़े सब्र करने वालों में पाओगे। अपनी माओ बहनों बेटियों से ये पैगाम है, अपने अजीम किरदार उसको अदा कीजिए, अपनी तारीख को पहचानिए। उम्मतों के बनाने और बिगाड़ने में अल्लाह ने आपकी तारीख बहुत बड़ी रखी। अल्लाह करे कि हमारी औरतों में और हम मर्दों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके कुंबे वाली शक्ल वो तो नहीं हो सकती, उसकी नकल आ जाए।
فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجلنا من حل الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توبة. اللهم أرد بيمارها من الشفاء علاج ہمارے فوج شکا ان کے گناہوں کو معاف فرما درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما درجات کو بلند فرما. ارے اللہ ان کے پسمانگان کو ہدایت عطا فرما صبر عطا فرما وہ کرنے کی وہ سوچنے کی وہ بولنے کی توفیق عطا فرما اس پہ آپ راضی ہو جا جس سے فوت ہونے والوں کو فائدہ ہو اور زندوں پر آپ راضی ہو جا. اے اللہ ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت پہ رحم فرما. اے اللہ جو عذاب ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ چکا ہے اے اللہ اس کو دور فرما اور اے اللہ اس کے آثار کو دور فرما. امت پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما. اے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا کچھ. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خیر عطا فرما شر سے محفوظ فرما. ہمارے آبا و اجداد عائدہ و قارب بزرگ احباب اور امت کے جو لوگ فوت ہو چکے ان تمام کے گناہ کو معاف فرما. اور اے اللہ ہمارے گھروں میں دین 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 جاری فرما ہمارے کنبوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہماری اولادیں ہمارے کنبے جب تک زندہ ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور جب مر جائیں تو ہمارے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. اللہم انا نسألک بأننا نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ جن احباب نے جو جو درخواست کی ہے جو جو فرمائش کی ہے اے اللہ ہر بھائی اس کی نیک حاجات کو پورا فرما ہر پریشانی کو دور فرما ہر گھر کے فوت ہونے والوں کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما گھروں کی خیر فرما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحباب کا مخصوص حالات کی وجہ سے کہ کرونا بیماری کی نہیں بلکہ ذاتی مخصوص حالات کی وجہ سے مجھ سے اصرار ہے کہ میں حسب سابق
एक एक शख्स से मुसाफा मान कर न करूं। अहबाब इस बारे में जो चाहें करें, लेकिन ये बात मुझसे ताकीद से कही गई है ताकि मेरी सेहत कम अज कम मुतासर हो। तो तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप सब पे रहम करे और इस ईद को हम सब की तरफ से अपने फजल करम से कबूल करें।